My question is, what is the position in Quran on child adoption? Ek Muslim child adopt kar sakta hai kya? Bhai sahab ne sawal kiya hai ke Islam mein child adoption jaiz hai kya nahi, ke Islam mein ek child ko adopt kiya ja sakta hai kya nahi. Agar koi Musliman anath bachche ko lena chahta hai aur usko baap ka pyar, maa ka pyar dena chahta hai, beshak ye allowed hai. तो इस्लाम में अनाथ बच्चे को घर देना, माँ का प्यार, बाप का प्यार देना बिल्कुल अच्छी बात है और इसको एनकरेज किया है, लेकिन लीगल एडॉप्शन अलाउड नहीं है. लीगल एडॉप्शन का मतलब जिस तरीके से मैंने कहा कि माँ का प्यार दे सकते हैं, बाप का प्यार दे सकते हैं, लेकिन अगर नाम देगा तो झूठ हो जाएगा. तो इसी तरीके से आप कोई अनाथ को बाप का प्यार देते, बेशक जायज़ है, अच्छी बात है, एनकरेज किया गया है, माँ का प्यार दीजिए, घर में लाओ, लेकिन उसको लीगल नाम नहीं दे सकते. क्यों? क्योंकि इससे कई मसाइल आ सकते हैं. मिसाल के तौर पे अक्सर लोग जब यतीम बच्चे को गोद लेते हैं, एक आम वजह है क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं है. जब कोई यतीम बच्चे को गोद लेते हैं, हो सकता है कि चंद साल बाद वो कपल, वो जोड़े को कोई बच्चा पैदा होता है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है. उसके अलावा अगर कोई शख्स एक लड़के को गोद लेता है, तब लड़का बड़ा होता है, बालिग होता है, 18 साल 20 साल का, क्योंकि वो उसका जनावा बेटा नहीं है, इस्लाम में हिजाब है. अगर कोई नामहरम, कोई बालिग लड़के के सामने आती है, हिजाब करना फ़र्ज है. तो इसके अंदर जब बेटा बड़ा होगा तो उसको माँ के साथ हिजाब करने पड़ेगा. तो पहले से अगर बेटे को बोल लेंगे कि मैं आपका असल वालिद नहीं हूँ, असली वालदा नहीं हूँ, और उसको प्यार दो, बेशक अलाउड है. लेकिन लीगल अडॉप्शन में और कई प्रॉब्लम हो सकते हैं. मिसाल के तौर पे जब एक इंसान मरता है, उसके मरने के बाद उसकी जायदाद, उसकी विरासत का बंटवारा होता है, और बंटवारा में क्राइटेरिया दिया गया कुरान में, कुरान मजीद में लिखा गया सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 और 12 में किस तरीके से जायदाद, किस तरीके से विरासत का बंटवारा होता है. और उसमें लिखा है कि अगर एक इंसान, एक आदमी मरता है, उसकी कोई भी औलाद नहीं है, तो उसके बीवी को मिलता है 1/4 हिस्सा, अगर उसके औलाद है तो मिलता है 1/8 हिस्सा. उसी तरीके से अगर एक औरत मरती है, अगर औरत के कोई भी बेटे बेटियां नहीं हैं, कोई भी औलाद नहीं है, तो शोहर को मिलता है 1/2 हिस्सा, अगर औलाद है तो शोहर को मिलता है 1/4 हिस्सा. तो अगर हम लीगल अडॉप्शन करते हैं तो फौरन आपके बीवी को 1/2 हिस्सा कम मिलेगा. तो इस्लाम में अगर आप बच्चे को गोद लेते हैं, आप गोद ले सकते हैं, लेकिन लीगल अडॉप्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बाकी रिश्तेदार से नाइंसाफ़ी होंगी. लेकिन इस्लाम में इसका भी हल है. अगर आप किसको गोद लेते हैं, लीगली नहीं लेकिन प्यार देते हैं, कोई यतीम को लेते, इस्लाम में इजाज़त है कि 1/3 हिस्सा आपके विरासत का आप किसी को भी गैर रिश्तेदार को दे सकते हैं. तो अगर आप किसी को माँ का प्यार, बाप का प्यार देते हैं, वालिद वालदा का प्यार देते हैं, और अगर आपके विरासत में हिस्सा देना चाहते हैं, तो मैक्सिमम आप 1/3 दे सकते हैं. लेकिन विदाउट मेंशनिंग, अगर आप लीगल अडॉप्शन करते हैं तो आपके बाकी रिश्तेदार, कई रिश्तेदारों की जो उनको शेयर होना चाहिए वो मिल जाता है 1/2. तो इसमें देर इज इनजस्टिस डन. तो इसके वजह से, हिजाब के वजह से, इनजस्टिस के वजह से, विरासत के वजह से, लीगल अडॉप्शन इज नॉट अलाउड. लीगल गोद लेना अलाउड नहीं, लेकिन अगर आप किसी को माँ का प्यार, बाप का प्यार देना चाहते हैं, उसको घर देना चाहते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. Sure. यदि लीगली इफ ही कैनॉट अडॉप्ट अ चाइल्ड, इफ ए मुस्लिम कैनॉट अडॉप्ट अ चाइल्ड लीगली, तो कुरान जब लिखा गया उसको 1400 साल हो गए, आज के तारीख में यदि लीगली अडॉप्शन करना वो बच्चे के लिए और वो इंसान के लिए जो अडॉप्ट करना चाहता है, दोनों के लिए यदि फायदेमंद साबित होता है, तो इसमें कोई बदलाव, इसमें कोई चेंज, इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता? भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि 1400 साल गुजर चुके हैं, अभी अगर लीगल अडॉप्शन बच्चे का फायदा होता है तो कुरान में लिए आ सकती है कहने, लेकिन मेरे हिसाब से फायदा नहीं होता है. और अल्लाह सुबहाना व ताला भगवान जानता है
کیا چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے کیا نہیں. اور یہ کتاب قرآن مجید بھگوان کی خدا کی آخری نازل کی گئی کتاب ہے جس میں کوئی بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ہم ہمارے سوچ سے سوچتے ہیں کہ یہ شراب کیوں حرام ہے, ابھی تو کئی فائدے ہیں, مجھے ٹھنڈی لگتی ہے تو شراب پی سکتا ہوں میں, یہ ہماری سوچ ہے. لیکن جب ہمیں اور ڈیٹیل معلوم پڑتا ہے شراب کے بارے میں وہ زیادہ نقصان دار ہے. تو اسی طریقے سے لیگل اڈاپشن سے فائدہ نہیں ہوتا, زیادہ نقصان ہوتا ہے. جب اللہ نے یہ کہا کہ جتنے بھی یتیم لوگ ہیں ان کو دیکھو, ان کو پیار دو, وہ تو جائز کہا گیا ہے نا. یہ نام کی کیا پرابلم ہے, نام سے کیا آپ کی محبت کم ہونے والی ہے؟ تو پرابلم آپ میں, قرآن میں نہیں ہے. آپ سمجھ رہے, اسلام میں آپ کا درجہ بڑھتا ہے کہ بھلے یہ میرا بیٹا نہیں, میں ان کو پیسے دے رہا ہوں, میں اس کو پیار کروں, اس میں پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ دے کین بی پرابلم, دے کین بی جینیٹک پرابلم. اینڈ فردر مور, میں میرے بیوی سے نا انصافی کروں گا اگر میرے اولاد نہیں ہیں اور میں کوئی لڑکے کو گود لیتا ہوں تو میں نا انصافی کرتا ہوں میرے بیوی کے ساتھ, اس کی زیادہ آدھی ہو جاتی ہے, ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں نا انصافی کر رہا ہوں میری والدہ کے ساتھ, میری والدہ کی جائیداد بھی آدھی ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر کسی سے نا انصافی نہ ہو, اسی لیے اللہ نے کہا ہے پیار دو, محبت دو. لیکن آج کے لوگ زیادہ مانتے بناوٹ میں, دکھاوے کے لیے. تو آپ دکھاوے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پرابلم ہے. تو اسلام میں دکھاوے کے لیے نہیں کرنا چاہیے, اللہ کے لیے کرنا چاہیے. ہوپ دا آنسر دا کوئسچن. بھائی صاحب ابھی یہ